बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। जी हां, संभल में आज यही हाल नजर आया जब भाजपाइयों ने थाने का घेराव कर भाजपा जिंदाबाद के नारे लगाए। दरअसल कोतवाल की मार झेल रहे भाजपाइयों की सहन शक्ति तब जवाब दे गई जब उनके नेताओं से ही बदसलूकी के आरोप कोतवाल पर लगे। बाद में एसपी ने कोतवाल को लाइन हाजिर और दो सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया। थाने का घेराव और नारेबाजी की तस्वीर संभल के धनारी थाना से सामने आई। मामले में भाजपा जिलाध्यक्ष ओमवीर सिंह खड़गवंशी ने बताया कि धनारी थाना के गांव सुनवर में जेई ने एक किसान का ट्यूबवेल कनेक्शन तब काट दिया जब उसकी पत्नी और बच्चे घर पर थे। टेलीफोन पर जेई से बातचीत के बाद धनारी कोतवाल किसान की बाइक उठा लाए। किसान की मदद को भाजपा जिलाध्यक्ष ओमवीर सिंह खड़गवंशी, भाजपा नेता अवधेश यादव और दर्जा राज्य मंत्री मंजू दिलेर के पति के साथ धनारी पहुंचे। आरोप है कि एसएचओ सत्येंद्र भड़ाना का व्यवहार खराब था जिसे देख सैकड़ों भाजपाइयों को गुस्सा आया। भाजपाइयों ने थाने का घेराव कर नारेबाजी की। पूरे मामले के बाद एसपी यमुना प्रसाद ने मिसबिहेव की शिकायत को सही मानते हुए कोतवाल सत्येंद्र भड़ाना को लाइन हाजिर तथा आरोपी दो सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया। आपको बताते चलें कि धनारी थाना में भाजपा कार्यकर्ताओं की पिटाई के आरोपों के बाद धनारी मंडल की पूरी भाजपा कार्यकारिणी ने सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी दी थी। थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोर की बेरहमी से पिटाई और धन उगाही और बाद में किशोर के सुसाइड तथा एक और गांव में मां की अंत्येष्टि के दौरान बेटे से वर्दी में दबंगई जैसे आरोप कोतवाल और उनके एक खास सिपाही पर लगते रहे थे। अलबत्ता आज का दिन धनारी के भाजपा कार्यकर्ताओं को खुशियां देने वाला रहा जब कोतवाल को एसपी ने हटा दिया। अब देखना यह है कि कोतवाल सत्येंद्र भड़ाना को एसपी क्या और किसी बढ़िया मलाईदार थाने का चार्ज देते हैं या भाजपा जिला अध्यक्ष से बदसलूकी और भाजपा कार्यकर्ताओं को पीटने के आरोपी कोतवाल कुछ टाइम पुलिस लाइन में काटेंगे।